my question is, now suppose the thing is like, you know, whatever methodology you have told to follow, I'm following the same thing. But the thing is like, when I prepare, I mean, when I read, that's the same unit. For example, suppose if it is literally theory or literary criticism, all the points means I have subscribed your channel twice and I have made a very wonderful notes. I have a big subscribe channel or the website. No, course? No. Website course, ma'am. I have subscribed. Okay. Yes, ma'am. Twice I had subscribed, and I have enough notes. I don't study out of any your notes. I just stick with your notes only. Last time also I told you. The thing only, I just want to get a guidance from you, ma'am. After 15 days, suppose if I revise the same topic, sometime I feel to miss some name of the authors. For example, Matthew Arnold hai, so some on author name I miss out while revising the thing. Okay. So how to even though I'm keeping a practice of solving MCQs also, I find I find difficult to remember all authors' works. How can I overcome that problem? Okay. So first of all, Vaishali, that is amazing that you have made notes and you are revising from it. You're also doing mock tests. That is a wonderful thing. And that is something which I ask all my students to do in the last few days. Don't study anything new. Just focus on what you've studied. Jahan se bhi aapne notes banaye, sirf us notes ko aap apna, jo bolte hai na ki aap Bible. Apna, it's like a Bible. Bible maan lo, aap apna dhan maan lo, aur aap usi ke saath mein next 15 days bitao. So I'm very glad that you're doing the same. आपका जो क्वेश्चन है उसका बहुत सिंपल आंसर है. देखिए, ह्यूमन माइंड इज वायर्ड इन अ वे दैट वी विल फॉरगेट. लास्ट टाइम तो मैंने इस पे काफी बड़ा डिस्कशन आप लोगों के साथ में किया था कि कैसे हम सब कुछ याद नहीं रख सकते. जब हमने क्या खाया वो हमें याद नहीं है, तो हम पढ़ाई, विच इज अ वेरी वेरी बोरिंग थिंग, वो तो हमें याद कैसे ही रहेगी. बट इसका सिर्फ एक तरीका है, दैट इज रिविजन. नाउ व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग, एक आप बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट टू रिवाइज एनी ऑथर, उसमें से आपके पास सपोज 50 पॉइंट्स हैं, आपने रिविजन चालू किया, यू फाउंड कि आपको 4 या 5 पॉइंट याद नहीं है. वो 4 या 5 पॉइंट आप या तो उस नोटबुक में कोई और स्केच पेन से या कुछ और से मार्क कर लीजिए, या फिर क्रिएट अ सेपरेट फ्लैश कार्ड ऑफ द सेम कि मैथ्यू आर्नल्ड लिखा छोटा सा, जैसे यू कैन टेक अ नोटबुक लाइक दिस, यहाँ पे आपने मैथ्यू आर्नल्ड लिखा, वो 5 पॉइंट लिखा जो आप भूल रहे हैं. नाउ इससे होगा क्या, बहुत सिंपल, कि आपको सपोज आपकी नोटबुक्स टोटल अभी तक आपने जो बनाई है दे आर 5 इन नंबर. अब 5 नोटबुक आपने आज रिवाइज करी, विच विल टेक यू 3-4 डेज टू रिवाइज. अब आप उनमें से आपको 80% चीजें याद थी, 20% आप भूल रहे थे. अब आपने नेक्स्ट 5 दिन बाद वापस से 0 से रिवाइज करना चालू किया, तो अब आप वापस से 80% चीजें रिवाइज कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो आपको याद हो ही गई है ना. जैसे अगर आपको साइकिल चलानी आ गई है, तो अब आपको रोज साइकिल चला के देखने की जरूरत नहीं कि अरे मैं भूल तो नहीं गई, बिकॉज वंस यू नो इट इट्स एज सिंपल एज दैट. सो अब आपको क्या करना है कि 5 डेज बाद आपके पास एक छोटी नोटबुक आ जाएगी इस तरह की, जिसमें आपके पास कुछ वो 20% चीजें होगी जो आप भूल रहे हैं. तो 5th डे के बाद आपको 6th डे से ये टॉपिक रिवाइज करने हैं, और एग्जाम से 3-4 दिन पहले आई वुड वांट यू टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस जो 100% है. क्योंकि क्या होता है, एग्जाम से जो 3-4 दिन पहले आपने पढ़ा है वो आपको एग्जाम के दिन ज्यादा क्लियरली याद रहेगा. ठीक है, सो अपने मिस्टेक्स या अपनी जो भी आप भूल रहे हैं रिविजन के टाइम पे, उसको एक सेपरेट जगह नोट करते जाइए. एक तो इससे बेनिफिट ये भी होगा कि जब आप नोट करेंगे तो आपको और याद होगा, लिखने से ज्यादा तेज याद होता है, तो वो आप नोट करिए एंड उस नोटबुक को 3-5 बार रिवाइज करिए. दैट इज द ओनली वे. एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग आप सबके लिए, जब भी रिविजन करते हैं और आपने सपोज एक टॉपिक का रिविजन 5 बार किया, 6th बार भी ऐसी चीजें होगी जो आप भूलेंगे. आई एम टेलिंग यू, कितना भी समझदार इंसान हो आप, आइंस्टाइन अगर नहीं है उससे एक कैटेगरी नीचे के भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो भी आप भूलेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ द ह्यूमन माइंड इज वायर्ड. द ओनली वे टू गेट ओवर इट इज नंबर 1 रिवाइजिंग दैट टॉपिक अगेन एंड अगेन, एंड नंबर 2 not feeling depressed about it. Because जैसे ही आप depressed feel करते हैं कि यार मैंने कल TSA लेट रिवाइज किया था, आज फिर मैं भूल गई ये टॉपिक, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो क्या ही पेपर क्रैक करूंगी, या ये तो एकदम मतलब मेरा क्या दिमाग ही कमजोर है क्या, मेरे फ्रेंड्स तो बोलते हैं उनका तो 5 टॉपिक रिवाइज हो गया, अरे बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे. मैं आज यहाँ खड़े आप रह के आपको बोल सकती हूँ कि मैं तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही हूँ. अब आप अगर उसको सच मान लेते हैं तो ये तो आपकी बेवकूफी है,
कि हाँ ठीक है, अगर मैम खड़ी होगी तो हम कैंपिंग देख लेंगे मैम का. जब तक खड़ी नहीं हो रही, इट इज जस्ट दैट शी इज सेइंग दिस, राइट? सो वेरी सिमिलर टू दैट इज एनीबडी टेलिंग यू ओवर अ फोन कॉल और ओवर अ कप ऑफ कॉफी कि मैंने तो पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कर लिया. अरे उन्होंने कितना किया है, उनको क्या याद है, दैट ओनली दैट पर्सन नोज. एंड समटाइम्स ये होता है द पीपल हु डोंट रिवाइज दे फील कि हमको सब आता है. जब एक्चुअली आप रिविजन करते हो ना, तब आपको पता चलता है अरे यार मैं तो अभी तक इस भ्रम में जी रही थी कि मुझे सब आता है. देर आर स्टिल सो मेनी टॉपिक्स दैट आई डोंट रिमेम्बर. तो देर कैन बी अ लॉट ऑफ पीपल इन योर vicinity who will say that हमें तो सब आता है, और आप उनको देख के अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे. मेरे साथ नेट प्रिपरेशन में हुआ था, आई वॉज प्रिपेरिंग विद दीज थ्री फोर ऑफ माई एम ए क्लासमेट्स. सो मास्टर्स जब मैं कर रही थी उसके साथ में आई गेव नेट एग्जाम. सो आई वॉज प्रिपेरिंग विद दीज थ्री फोर एम ए क्लासमेट्स एंड ऑल ऑफ देम हैड अ वेरी गुड सेल्फ इमेज. सो दे ऑल वर वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई कोचिंग ले रहा था एंड देयर वर सर्टेन पीपल हु वर स्टडिंग ऑन देयर ओन. किसी के पास सीनियर्स के नोट्स थे एंड आई वॉज प्रिपेरिंग ऑन माई ओन. सो मेरे पास इंटरनेट के रिसोर्सेज से मैं ढूंढ थी, आई यूज टू रीड बुक्स एंड मेक माई ओन नोट. तो मेरी प्रिपरेशन वैसे ही बहुत धीरे चलती थी बिकॉज मैं तो हर टॉपिक में इतना डेप्थ में जाती थी कि उनके चार टॉपिक हो गए, मेरा फर्स्ट ही चल रहा है. बट वो लोग जब भी आके ये बोलते थे कि हमें ये याद है या हमें ये याद है या हमने ये मॉक टेस्ट दिया हमें इतना नंबर आ गए, आई वुड नेवर फील डिसअपॉइंटेड. आई वुड लाइक तुमने किया वेल एंड गुड, मैं तो अपनी पेस पे ही चलूंगी. एंड उन पांचों में से मेरा हुआ और किसी का नहीं हुआ. दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, समटाइम्स व्हाट पीपल से उनको भी नहीं पता होता. इट्स नॉट दैट कि वो आपका मोरल डाउन करने के लिए ऐसा बोलेंगे, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने खुद को असेस नहीं किया है तो उनको भी लगता है कि हाँ हमें सब आता है. जिस दिन वो रिविजन करेंगे उनको भी पता चलेगा कि ओ देर आर स्टिल थिंग्स दैट दे डोंट रिमेम्बर. ओके, सो विशाली, वेरी सिंपल एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि एक तो जब भी आप भूलते हैं पुट दैट इन अ डिफरेंट नोटबुक, एंड सेकेंडली नेवर गेट डिसहार्टेंड अगर आप रिविजन के बाद भी भूल रहे हैं. मैंने 8 रिविजन करे थे पूरे पूरे ब्रिटिश लिटरेचर मॉड्यूल 1 जहां से मैंने बनाने नोट शुरू करे थे वहां से लेके 13th मॉड्यूल तक मैंने 8 बार पूरी कॉपियां रिवाइज करी थी. देयर इज दिस बंडल, मैं एक एक कॉपी रिवाइज करके रखती थी ऐसे अलग रोज सुबह. आई हैव मेड अ सेपरेट नोटबुक फॉर ईच यूनिट मैम. फॉर ब्रिटिश लिटरेचर आई हैव 12 नोटबुक्स. राइट, मेरे साथ भी ऐसा था. देयर इज दिस पाइल ऑफ नोटबुक और वो एक एक नोटबुक को मैं इधर रखती जाती थी करके. सम टाइम यस, रिवीजन 8वें रिवीजन के बाद भी वैशाली आई रिमेम्बर कि देयर वर पॉइंट्स जो मुझे याद नहीं था और मुझे लगता था यार क्या दिमाग है. मतलब 8वें रिवीजन के बाद भी कई ऑथर्स गलत याद आ रहे मेरे को भाई. यस, आपकी ब्रेन में कई चीजें जल्दी लिंक हो जाती है, कई चीजों को लिंक होने में टाइम लगता है. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सो दीस डेज यू नो व्हेन वी आर जस्ट ऐसा कुकिंग इन द किचन, सो कई बार ऐसा होता है. सो माय हस्बैंड हैज दिस थिंग की जो मिटन्स होते हैं जो हाथ में पहनते हैं ओवन से निकालते वक्त, सो आई डोंट नो हाउ बट देन ही हैज स्टार्टेड यूजिंग मफिन्स एज अ वर्ड रादर देन मिटन्स. अब उनको मैं जितनी बार बोलती हूँ दिस इज मिटन्स, He's like, उनको मफिन ही याद रहता है नेक्स्ट पार्ट. सो एवरी टाइम इज लाइक मुझे मफिन देना, लाइक मफिन. एंड देन आई रियलाइज कि अरे दे लिंकेज बन गया है जिस वजह से कितनी बार भी वो चीज बोलो वो मिटन्स ही याद रहेगा. सो यू अंडरस्टैंड, कई बार हमारे दिमाग में होता है कोई ऑथर के साथ कोई राइटर कोई बुक एसोसिएट हो गई हमारे दिमाग में. आपको वही बुक याद आएगी एंड देन आई लाइक कि नहीं नहीं ये तो इस ऑथर की थी नहीं, मैंने कितनी बार खुद को बता दिया, स्टिल वही हो रहा है. So that is the thing. Don't ever get frustrated when you're revising. It is a very, very frustrating experience, I know. But that is what I would like to advise. Okay, and meditate. I'm telling you, meditation will work on this. Yes, ma'am. I will follow. Yes, ma'am. I will follow you. You're sitting for the 13th exam, right? 13th October exam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All the very best, Vaishali. Yes, ma'am. I Thank really, you, ma'am. Really want you to see, you know, clearing net. And I would also want to know your experience, know your lovely experience, I would rather say, on 14th of October when we interact again. Yes, ma'am. Right. Last question. Ma'am, now suppose 200, so for second paper, there are 200 marks. So out of 200 marks, How much marks are required for cracking the score? Means how much means so, out of? देखिए general candidate की अगर मैं बात करूँ तो 65% is a decent score. We should aim for 70% in our mock test so that अगर 5% का ऊपर नीचे भी होता है तो you hit a number of 65 on the day of the exam. So 70% out of 200 would be getting 70 questions right. It is as simple as that. तो आप जब भी मॉक टेस्ट भी देते हैं योर एम शुड बी टू गेट 70 क्वेश्चंस राइट. अटेम्प्ट हमें 100 करने हैं, उसमें से अगर 30 क्वेश्चन में से कुछ तुक्के से ठीक होता है दैट इज फाइन, बट हमारा फोकस शुड बी कि 70 में से हम 70 ठीक करें.
आउट ऑफ 100 वी गेट 70 राइट बेस्ड ऑन आर अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट ऑन गेस वर्क. ओके यस मैम. या वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच. ग्रेट विशाली. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. यस मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू.